नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थान पर एक बार फिर लगा ताला। बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले। प्राइवेट बसों के बाद अब सरकारी बसों में भी सफर करना पड़ सकता है महंगा। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी ने फिर से नीतीश कुमार पर कसा तंज। पर बिहार में अब जिला स्तर के मुकदमों की जानकारी होगी ऑनलाइन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थान पर एक बार फिर लगा ताला। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज 12 अप्रैल तक के लिए एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का क्राइसिस मैनेजमेंट ने फैसला ले लिया है। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही शादी समारोह में 250 लोग और श्राद्धक्रम में 50 लोग के शामिल होने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना को रोकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस तरह का आदेश जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने बीते दिन हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारी, DGP समेत स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड-19 की स्थिति एक बार फिर से डराने वाली हो रही है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 836 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 359 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में 29 तो वहीं सिवान में 80 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 63,982 सैंपल की जांच की गई है और अब तक कुल मिलाकर 2,62,988 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद वर्तमान में कोविड-19 मरीजों की एक्टिव संख्या जो है वो 2,942 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बिहार में रिकवरी दर में गिरावट देखने को मिली और ये 98.31% पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 255 पर पहुंच गई है। क्लर्क, टाइपिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर की जल्द ही होगी बहाली। हरियाणा विधानसभा में 10वीं पास युवाओं के लिए टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट और क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 10वीं पास, साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव, वहीं टेलीफोन अटेंडेंट के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ 10वीं या ग्रेजुएशन और हिंदी टाइपिस्ट के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ 10वीं पास या कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार haryanaassembly.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। खगड़िया के सनहौली दुर्गा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया शहर से सटे सनहौली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है। श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ समझकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि 200 वर्ष पूर्व पंचायत के ही एक खेत जोतने के क्रम में मां दुर्गा की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को एक ब्राह्मण गोपी ठाकुर ने उठाकर अपने घर के निकट एक कुएं पर स्थापित कर दिया था। मां दुर्गा की मूर्ति को कुएं पर स्थापित करने के बाद स्वप्न देखकर गोपी ठाकुर ने पंचायत के गणमान्य लोगों से इस पर बात की और बाद में गांव के लोगों के प्रयास से मूर्ति को कुआं से हटा करके गांव के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए जारी किया जरूरी गाइडलाइन। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षक परिवार के सदस्य, पदाधिकारी, कर्मियों को हर हाल में टीका लगवाना होगा। इसके साथ ही स्कूली छात्रों के 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अभिभावकों का टीकाकरण सुनिश्चित करवाने का निर्देश भी जारी किया गया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पंचायत स्तर पर वर्क प्लान बनाकर टारगेट निर्धारित करने और अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से हर दिन समीक्षा करके प्रगति का जिम्मा दिया गया है। पटना कमिश्नर के इस आदेश से साफ हो गया है कि जिस अभिभावक की उम्र 45 साल से अधिक है, उन्हें हर हाल में कोरोना का टीका लेना होगा। विधानसभा हंगामे की जांच हुई शुरू। विधानसभा में आचरण समिति ने 23 मार्च को सदन के अंदर विधायकों के हंगामे और असंसदीय आचरण की जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने समिति को जांच के लिए पत्र जारी किया था। समिति को जारी किए गए पत्र के आधार पर आरंभिक जांच भी शुरू कर दी गई है। इस समिति में राम नारायण मंडल को सभापति, जबकि उनके साथ अरुण कुमार सिन्हा, राम विशुन सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को शामिल किया गया है। आचरण समिति ने इस संबंध में अपनी पहली बैठक में 23 मार्च को घटना से जुड़ी पूरी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। इन वीडियो फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि 23 मार्च को हुई घटना अचानक हुई थी या उसके लिए कोई योजना बनाई गई थी।
पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर की होगी तैनाती। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है, जिसके बाद अब बिहार में इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि नगर निकायों की तरह पंचायती राज संस्थाओं में विकास कार्य के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल समय पर चुनाव नहीं होने की अवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उन संस्थाओं को कैसे चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि हमने विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार में मेडिकल कॉलेज की दाखिल प्रक्रिया में होगी देरी। बिहार के मेडिकल कॉलेज में नामांकन दाखिल करवाने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब बिहार के मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर पड़ने वाला है, जिसके तहत नामांकन में एक बार फिर से देरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, कोरोना के कारण देश की तमाम परीक्षाएं देरी से हो रही है। यही कारण है कि इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इस साल भी कोरोना का प्रभाव नीट की परीक्षा पर दिख रहा है, जिसके तहत यह परीक्षा 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एनटीए की तरफ से अभी तक रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं करवाया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि रजिस्ट्रेशन का काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। इसको लेकर 1 महीने का समय दिया जाएगा, जिसके बाद नीट का रिजल्ट 15-20 दिनों में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसके बाद ही राज्य के मेडिकल कॉलेज में नामांकन संभव है। कोरोना के कारण कृषि विभाग नहीं कर पाई पैसे खर्च। बजट की कमी के कारण मिट्टी के सेहत खराब हो रही है। जानकारों की माने तो इसका कारण कोरोना रहा है। जानकारों का कहना है कि बीते वित्तीय वर्ष में पैसे तो आए, लेकिन कोरोना के कारण काम काफी ज्यादा बाधित रहा था, जिसके बाद अब विभाग को लाखों रुपए सरेंडर करना पड़ा है। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी। मिट्टी की जांच के लिए प्रत्येक जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशाला के अलावा प्रत्येक प्रमंडल में 1-1 चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित है। हालांकि इनमें से कई प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाना है। बिहार में शुरू हुआ पूर्वी हवा का प्रवाह। बिहार में एक बार फिर से पूर्वी हवा का प्रवाह शुरू हो गया है। सूबे में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन पूर्वा के संभावित दायरा बढ़ने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में नमी का प्रवाह बढ़ने वाला है। सूबे में मार्च में बारिश की स्थिति नहीं रहने से यह पिछले साल से अपेक्षाकृत गर्म रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कम प्रभावी होने की वजह से सूबे में बारिश नहीं के बराबर हुई है। अमूमन मार्च महीने में 3 बार इसका प्रभाव सूबे में देखा जाता है, लेकिन इस बार एक बार भी प्रभावी नहीं हुआ है। यही वजह रही है कि अधिकतम पारा पिछले साल की अपेक्षा 3 डिग्री अधिक रहा है और लोगों ने इससे मार्च गर्मी ज्यादा महसूस की है। हालांकि शुक्रवार से मौसम विभाग ने पूर्वा के प्रवाह को पूरे सूबे में बढ़ने की बात कही है, जिससे अधिकतम पारे में कमी के आसार है। बिहार में अब जिला स्तर के मुकदमों की जानकारी होगी ऑनलाइन। अब मुकदमों की पूरी जानकारी आम नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर एक विशेष वेब पोर्टल भी तैयार किया गया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल से जुड़ा होने वाला है। इस पर हाईकोर्ट के तर्ज पर किसी मुकदमे की जानकारी या कोर्ट से जारी आदेश को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस पोर्टल का संचालन सुचारू तरीके से करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 1-1 डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली है। मंत्रिपरिषद से इसकी मंजूरी मिलने के बाद 39 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरी करने से संबंधित कवायद विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। बिहार में चीनी के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले आई कमी। बिहार में चीनी के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले कमी देखी गई है, जिसके तहत इस साल के पेराई सत्र में 45.88 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में काफी कम आंका गया है। खबरों की माने तो बिहार में पिछले साल वार्षिक पेराई सत्र में 72.77 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल 675 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई, तो वहीं इस साल चीनी के कम उत्पादन की वजह से 458 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का काम हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि भले ही बिहार में चीनी का उत्पादन इस साल कम हुआ है, लेकिन चीनी के दाम पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह रहा कि इस बार बाढ़ और अन्य आपदाओं की वजह से प्रदेश की चीनी मिले 85 से 88 दिन ही चली हैं। बिहार के स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेंगे औषधीय पौधे। बिहार के अब सभी स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जारी किए गए पत्र में स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक वाटिका के तहत औषधीय पौधे लगाने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पोषण पखवाड़ा के दौरान पोषण युक्त औषधीय पौधे लगाने को लेकर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसके लिए अभियान चलाया गया है, जिसके बाद आम लोग पोषण वाटिका लगाने में सहयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी लोगों को इस अभियान से जोड़ा भी जाएगा और औषधीय पौधे के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत देसी चिकित्सा के माध्यम से कई बीमारियों का इलाज भी अब आसानी से किया जा सकेगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे आगे रहा राजधानी पटना। हाल ही में स्वच्छ ऐप पर अपने शहरों के बारे में जानकारी साझा करने की बात कही गई थी, जिसके बाद 15 शहरों में पटना के लोगों ने बाजी मारी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना में रह रहे 113,974 लोगों ने अपने शहर के बारे में फीडबैक देकर इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल पर 87,565 लोगों ने शहर के बारे में जानकारी दी है। इसी सर्वेक्षण सूची में आरा, जहानाबाद और छपरा के लोग फिसड्डी साबित हुए हैं। छपरा और जहानाबाद में 6-6, आरा में सिर्फ 3 लोगों ने अपने शहर के बारे में वोट किया है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण पोर्टल पर छपरा में 81, जहानाबाद में 25 और आरा में 25 लोगों ने ही फीडबैक दिया है। अपने शहर के बारे में वोट देने में पटना के बाद सहरसा के लोग अन्य शहरों से आगे रहे। प्राइवेट बसों के बाद अब सरकारी बसों में भी सफर करना पड़ सकता है महंगा। बिहार के प्राइवेट बसों के बाद अब सरकारी बसों में सफर करना महंगा हो सकता है। खबरों की माने तो इस महीने अप्रैल में अब सरकारी बसों का किराया बढ़ सकता है। आपको बता दें, प्रदेश में डीजल से चलने वाली सभी बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव बिहार परिवहन विभाग को भेज दिया है। हालांकि अब तक इस बात का निर्णय नहीं लिया गया है कि किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर कमेटी आने वाली बैठक में इसका निर्णय लेगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नए किराए को पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब बिहार के सरकारी बसों पर भी पड़ने वाला है। बिहार के युवाओं को तकनीकी शिक्षा लेने के लिए नहीं जाना होगा दूसरे शहर। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को अब रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कंपनियां बिहार आकर उनको खुद से नौकरी का ऑफर देने वाली है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए उनके विभाग में प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा, जहां युवा अपना तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आवेदन देकर कंपनियों में नौकरी पा सकेंगे। इस योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं और इस साल के अंत तक विभागीय कार्यालय में प्लेसमेंट सेल काम करने लगेगा। कोरोना को लेकर बिहार के सभी जेल में खोले जाएंगे हेल्प डेस्क। कोरोना को ध्यान में रखते हुए जेलों में बंद कैदियों को लेकर बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ही जेल प्रशासन ने सभी जेलों में अलग से क्वारंटीन सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया है। जेल प्रशासन का मानना है कि जेल में बंद किसी भी एक कैदी को अगर कोरोना हो जाता है तो इसे जेल में फैलने से रोक पाना काफी मुश्किल होगा। इसके साथ ही मार्च में ही जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। वहीं परिजन या उनके जानने वालों को आमने सामने की मुलाकात की इजाजत पर बंदिश लगा ते हुए ई मुलाकात की व्यवस्था शुरू की गई है। सुशील कुमार मोदी को इन नेताओं को देकर आती है रुदाली गायकों की याद। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में ट्वीट जारी करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि भारतीय उद्योग जगत ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज, मुद्रा लोन और स्टार्टअप जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर कोरोना और लॉकडाउन की चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव युवाओं का मनोबल तोड़ने वाले फर्जी आंकड़े जारी कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस के राजकुमार रुदाली गायक की तरह हो गए हैं। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी ने फिर से नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समय समय पर नीतीश सरकार का घेराव करते रहते हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की दो पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 16 साल से एनडीए सरकार है, केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता के धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। अमीर शरीयत वली रहमानी के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इमारत शरिया के अमीर शरीयत और पूर्व विधान पार्षद वली रहमानी ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मौलाना रहमानी बीते 15 दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मौलाना रहमानी के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए सीबीएसई ने जारी किया नया सिलेबस। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने हाल ही में 2021-22 सत्र के लिए नए सिलेबस को जारी कर दिया है, जिसके तहत इस बार छात्रों को पूरी पढ़ाई करनी होगी। पिछले साल की बात करें तो कोरोना के कारण सिलेबस में 30% की कटौती की गई थी, लेकिन नए सत्र में यह कटौती मान्य नहीं होगी, जिसके तहत ही अब बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के नए सिलेबस को cbseacademic.nic.in पर जारी कर दिया है, जिसके बाद अब स्टूडेंट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स को इस बार परीक्षाओं के ये पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जिसके आधार पर पेपर तैयार किए जाएंगे।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से भीषण युद्ध के बाद झांसी को छोड़ना पड़ा था। 1904 में हिंदी सिनेमा के हरदिल अजीज गायक और कलाकार कुंदन लाल सहगल का जन्म आज के दिन हुआ। 1905 में भारत की कांगड़ा घाटी में भूकंप से 20,000 लोगों की जान चली गई थी। 1910 में श्री अरबिंदो पुडुचेरी पहुंचे, जो बाद में उनके ध्यान और अध्यात्म का केंद्र बना था। 1983 में अंतरिक्ष शटल चैलेंजर ने अपनी पहली उड़ान आज के दिन भरी थी। 1949 में परवीन बाबी भारतीय अभिनेत्री का जन्म आज के दिन हुआ था। वहीं 1972 में भारतीय अभिनेत्री एवं फैशन मॉडलर लीजा रे का भी जन्म आज के दिन हुआ था। आईपीएल से पहले धोनी का 7 साल पुराना ट्वीट हुआ वायरल। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत अब बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। वहीं आईपीएल से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में धोनी ने लिखा था कि फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी टीम जीतेगी, मैं यहां पर एंटरटेनमेंट के लिए हूं। धोनी का ट्वीट जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 3 दफा आईपीएल के खिताब को अपने नाम कर चुकी है। टीम ने साल 2018 में आखिरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया था। हालांकि अब धोनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन आईपीएल में वो खेलते नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। प्रदेश में 350 से अधिक बिल्डरों पर गिर सकती है रेरा की गाज। रेरा पिछले कुछ महीनों से बिल्डरों के काम को लेकर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद राजधानी पटना में एक के बाद एक लगातार बिल्डरों पर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद अब राज्य के दूसरे जिलों के बिल्डरों के काम को लेकर भी रेरा कार्रवाई करने वाला है। खबरों की माने तो रेरा 350 से अधिक बिल्डरों पर कार्रवाई कर सकता है। जानकारों की माने तो ये ऐसे बिल्डर है जिन्होंने अब तक अपनी कंपनी के खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जैसे शहरों में करीब 700 रियल एस्टेट कंपनियां हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन्हें 31 मार्च तक बैलेंस शीट के अलावा ऑडिट स्टेटमेंट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सनोज कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, सोनम सिंह, देवराज दोस्ता, अमारीत कुमार, मनीष सिंह, अभिषेक कुमार, अंशु पाठक, कृतिका कनिक, कमलेश्वर पटेल, मृत्युंजय कुमार, राजीव कुमार, अशोक कुमार, शंभु कुमार, मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का सबसे साफ सुथरा जिला कौन सा है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।